किसी भी मंगलवार के दिन कीजिए 3 लौंग और सरसों के तेल का यह महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको हाथों हाथ मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही बताइए, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से हार जाना चाहिए या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं तो वेद पुराणों में बताए हुए 3 लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान जी की वो कृपा और वो वरदान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो मान के चलिए बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा टूटते हुए चले जाते हैं। राहु केतु की दिशा इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में न केवल धन आना बंद हो जाता है बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी जड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा के थक जाते हैं। और अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परेशानियाँ चल रही हैं तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महाउपाय कर लीजिए और हनुमान जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके बाद आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग का ही उपाय क्यों करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी हैं उनको लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि जो लौंग होती है वह हनुमान जी के शस्त्र गदे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा में अगर लौंग का प्रयोग न किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी और आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, इन उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र, अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महाउपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना है, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए, किसी भी मंगलवार की सुबह नहाइए धोइए, नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहनिएगा क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान के मंदिर जाइए आप लोग, इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेप बना लीजिए और इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। अब थोड़ा सा लेप बचा करके लाइए आप अपने घर पर, आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहाँ से पैसे का लेन देन आप करते हैं, इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। इतना उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था,
वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। तो सबसे पहला उपाय हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महोपाय। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, कहा जाता है जब भी एक व्यक्ति कर्जा ले लेता है उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना तक ठीक से नहीं खा पाता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। और अगर आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिनने कर्जा ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठिए, नहाइए धोइए, लाल कपड़े पहनिए, आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद इस दीपक को जलाइए, दीपक जलाने के बाद इसमें आपको 3 लौंग डाल देनी है, आपको हनुमान जी के सामने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, 1008 बार ओम हनुमते नमः, हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम हनुमते नमः, जो बजरंग बली जी का बीज मंत्र है, इसका जाप करना है। क्योंकि बजरंग बली जी को 1008 हो गया, 108 हो गया, इस तरीके के जो अंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका कर्ज नहीं खत्म हो जाता है, और यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों मंगल ग्रह को मजबूत करने का महोपाय। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वो गलत निर्णय भी ले लेगा, गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह जिस व्यक्ति का भी मजबूत होता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। अगर आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दें तो मान के चलिए हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे। यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 से बताने रहे। इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको लेना है काला धागा, काला धागा लेने के बाद आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक ले लीजिएगा, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, आपने जो काला धागा लिया है इस पे इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी के दाएं चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 1008 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है, बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है ये हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया हो, सिंदूर इस काले धागे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से अगर आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी की कृपा से चल जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको किसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको क्या करना होगा, देखिए हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बड़े ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन 0.5 किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए जिस बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ये समाप्त।